फ्रेंड्स, मैं हिशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल लेट्स डू समथिंग न्यू में। फ्रेंड्स, त्योहारों का मौसम चल रहा है और हमारे पास है चांस बहुत सारे DIYs बनाने का, क्योंकि त्योहारों के मौसम में हमें अपना घर तो डेकोरेट करना ही होता है, लेकिन साथ ही में हमें बहुत सारे गिफ्ट्स बनाने होते हैं अपनों के लिए। तो चलिए ये बनाते हैं बहुत ही प्यारा सा पॉट, इससे हम अपना घर भी सजा सकते हैं और हम ऐसे आइटम्स बनाकर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा DIY है, तो चलिए बनाते हैं इसे मेरे साथ साथ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दियो आप बेल आइकन है उसको दबाइए और ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हम एक पॉट लेंगे, पॉट आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। तो उसके बाद मेरे पास है ये डेको ट्रांसफ़र शीट, ये है क्रिसमस डेको ट्रांसफ़र शीट, ये मैंने ली है लिटिल बर्डी से। तो बहुत सारे इसमें क्रिसमस एलिमेंट्स हैं, मुझे बहुत ही प्यारी लगी ये शीट। तो इसमें से आज हम ये साइकिल वाला रेट्रो डिज़ाइन और ये जॉय ऑफ द वर्ल्ड वाला जो सेंटीमेंट है वो यूज़ करेंगे। साथ ही हम ये दो बॉर्डर डिज़ाइन मेरे पास थे दूसरी किसी ट्रांसफ़र शीट के, तो वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस डेको ट्रांसफ़र शीट को कट कर लेते हैं। तो जो भी पार्ट हमें चाहिए हम उसको अच्छे से फसी कट करेंगे। तो मैं यहाँ ये साइकिल और ये सेंटीमेंट जो है कट करके पहले से रखी हूँ, और ये बॉर्डर भी है मेरे पास। तो देखो, ट्रांसफर शीट अप्लाई करने से पहले हमें इसके ऊपर चॉक पेंट अप्लाई करना है। तो चॉक पेंट अभी हम बना लेते हैं बिल्कुल यहीं पर। तो उसके लिए मैंने ये एक टेलकम पाउडर लिया है, मेडिकेटरी टेलकम पाउडर है ये। ये मेरे पास एक्सपायर डेट टेलकम पाउडर है, तो वो रखा हुआ था, मैंने फेंका नहीं था, तो मैं इसको आज यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने ये यूज़ किया है फेविकोल PVA ग्लू वाइट। तो मैं बिना मेजरमेंट के इसको डाल रही हूँ, बस आप कंसिस्टेंसी देखिएगा कि किस तरह की हमको कंसिस्टेंसी चाहिए आज के पॉट के लिए। थोड़ा सा हम इसमें यूज़ करेंगे येलो कलर। तो येलो कलर हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें जो इसका बेस कलर है वो बिल्कुल ऑफ वाइट सा कलर है, क्रीम कलर सा, तो वैसा बनाना है। अब 4-5 बूंद हम इसमें पानी की डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके एक बहुत ही स्मूद और थिक पेस्ट बना लेंगे। तो अब इस पेस्ट को हम अपने पूरे पॉट के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। थोड़ी थिक लेयर लगाएंगे, इसलिए मैंने इसको थिक रखा है। पतला लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको सेट होने में, क्योंकि हमें 2-3 कोट करने पड़ेंगे। तो मैंने पहले ही थोड़ा सा इसको थिक बना लिया है, तो इसका एक थिक सा लेयर हम जो है इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। और ये अभी थोड़ा डार्क लग रहा है, लेकिन सूखने के बाद थोड़ा सा ये लाइट हो जाएगा। तो चॉक पेंट अप्लाई हो गया है, इसको सूखने के लिए रख देंगे मैं आधे एक घंटे के लिए। तो तकरीबन 1 घंटे बाद ये बिल्कुल अच्छे से सूख गया है, देखिए कितना प्यारा स्मूथ इसका टेक्सचर आया है। तो अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे अपनी डेको ट्रांसफ़र शीट। सबसे पहले हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो ये बॉर्डर भी जो था एक डेको ट्रांसफ़र शीट थी मेरे पास बुद्धा थीम पर, तो उसमें से ये मैंने बॉर्डर लिया है। तो इसको यहाँ पर स्टिक करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसके ऊपर की फिल्म रिमूव करनी है। ये ट्रांसफ़र शीट इसके ऊपर से हटा देंगे और उसके बाद इसको उल्टा करके जहाँ पर भी हमें इसको प्लेस करना है अच्छे से इसको लगाकर फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से रब करके चिपका लेंगे। अब हमें इसके ऊपर पानी अप्लाई करना है। पानी बहुत ही ध्यान से अप्लाई करिएगा, क्योंकि नीचे हमारे चॉक पेंट है तो वो
थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है अगर हम पानी उसके ऊपर आ जाएगा, तो बहुत ही ध्यान से हम इसके ऊपर पानी अप्लाई करेंगे और हाथों की हेल्प से या स्पॉन्ज की हेल्प से इसको अच्छे से हम दबाते रहेंगे साथ साथ, ताकि हमारा जो प्रिंट है वो पॉट के ऊपर आ जाए। तो इस तरह से हम दबा दबा के अच्छे से सारी इमेज को उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और फिर धीरे से इसका जो ऊपर का पेपर है उसको सरका लेंगे, तो ये नीचे प्रिंट रह जाएगा और जो ऊपर का शीट है वो हट जाएगा। देखिए कितना प्यारा हमारा जो है प्रिंट इसका ट्रांसफ़र हो गया है। बहुत ही मज़ेदार काम है डेको ट्रांसफ़र शीट के साथ काम करना, बहुत ही मज़ा आता है मुझे ये शीट सप्लाई करके, क्योंकि इससे हम अलग अलग तरह की चीज़ें बना सकते हैं और वो भी कुछ ही मिनटों में। और इसकी फिनिशिंग देखिएगा कितनी बढ़िया आती है, पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ स्टिक किया है या फिर कैसे बनाया है। अगर किसी को डेको ट्रांसफ़र शीट्स के बारे में नहीं पता तो वो जान ही नहीं सकता कि आपने ये प्रिंट कैसे बनाया है उसके ऊपर। तो बहुत ही प्यारी टेक्निक है, तो बनाइएगा इस तरह के आइटम्स आप घर पर। अगर आप स्मॉल बिजनेस होल्डर हैं तो भी आप इस तरह के आइटम्स बनाकर सेल कर सकते हैं। तो मैं भी अपनी एग्जीबिशन वगैरह जब मैं क्राफ्ट फेयर्स वगैरह में जाती हूँ तो इस तरह के कुछ होममेड आइटम्स मैं लेके जाती हूँ, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहता है अगर हम इसको सेल भी करते हैं तो बिल्कुल बनाइए आप इस तरह की चीज़ें। ग्लास बॉटल के ऊपर भी आप इस तरह की डेको ट्रांसफ़र शीट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक बॉटल के ऊपर भी ये डेको ट्रांसफ़र शीट अप्लाई की थी, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हर एक सरफेस पे ये डेको ट्रांसफ़र शीट जो है काम करती है। बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं डेको ट्रांसफ़र शीट के, अभी हाल ही में मैंने क्रिसमस कैंडल्स बनाई थी डेको ट्रांसफ़र शीट से, बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा डेको ट्रांसफ़र शीट यहाँ पर अप्लाई हो गई है, कितना सुंदर लग रहा है ये पॉट। तो अब एक ड्राई ब्रश लेकर हम इसकी एयर बबल्स रिमूव कर देंगे। तो इसी तरह से हम जितने स्टिकर्स इसके ऊपर चाहें लगा सकते हैं, जैसा भी आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको थोड़ी सी विंटेज और रेट्रो लुक देने के लिए मैंने ये साइकिल और एक स्टिकर इसके ऊपर अप्लाई किया है। अब हम इसको थोड़ा सा और इसका लुक चेंज करते हैं, वो मैंने उसके लिए मैंने ली हैं ये रबर स्टैम्प्स, ये भी मैंने ली हैं लिटिल बर्डी के रबर स्टैम्प्स हैं ये। तो इनको मैंने एक ब्लॉक के ऊपर, एक एक्रेलिक ब्लॉक के ऊपर हम इसको लगा लेंगे। 3-4 स्टैम्प्स को मैंने रैंडमली लगा लिया है, तो बस इंक पैड के ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे और फिर जहाँ जहाँ हमें प्रिंट चाहिए है वहाँ वहाँ हम इसको इस तरह से लगा देंगे। तो मैंने किसी सेंटीमेंट लगाने के पर्पज़ से ये रबर स्टैम्प्स नहीं ली हैं यहाँ पर, इन सेंटीमेंट्स को मैं एज अ प्रिंट यूज़ कर रही हूँ। देखिए अलग अलग तरह की रबर स्टैम्प्स हैं, कुछ भी लिखा हुआ है इस पे, सेंडिंग हग्स लिखा है और कुछ स्माइली स्टिकर है, फ्लावर्स वाला स्टिकर है, स्टार है, तो बस हमें बलून लगा हुआ है। तो खाली मेरा यहाँ पर इसको लगाने का पर्पज़ है कि थोड़ा सा इससे प्रिंट क्रिएट हो जाए, बाकी का जो प्लेन एरिया बचा हुआ है। तो यहाँ वहाँ हम सब जगह पे ये स्टैम्पिंग कर देंगे तो इससे बहुत ही अच्छा प्रिंट क्रिएट हो जाएगा। तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ आपने स्टैम्पिंग की है, कहाँ आपने डेको ट्रांसफ़र शीट यूज़ की है, तो सारा ये जो है प्रिंटेड बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने हाथ से इसको बनाया है। तो इस तरह से हम सारे जगह पे ये स्टैम्पिंग कर लेंगे पहले। स्टैम्पिंग करने के बाद एक और स्टेप होता है, वो है वार्निश का। तो अभी तुरंत वार्निश मत कीजिएगा, तकरीबन 3-4 घंटे इसको सूखने दीजिए, अच्छे से सेट होने दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर हम वार्निश करेंगे। और एक चीज़ का आपको ध्यान और रखना है, वाटर बेस वार्निश इसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर स्टैम्पिंग की है तो, और नीचे हमारे टैल्कम पाउडर है, तो अगर हम वाटर बेस अप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगी, तो इसकी इंक हो सकता है फैल जाए, तो इसलिए हमें वाटर बेस जो है वो वार्निश अप्लाई नहीं करनी है। तो
देखिए कितना सुंदर हमारा पॉट बनकर रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक देखते रहिए लेट्स डू समथिंग न्यू। थैंक यू, बाय बाय।